श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा। द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षसों के अत्याचार बढ़ने लगे। पृथ्वी गाय का रूप धारण कर अपनी कथा सुनाने के लिए तथा अपने उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी सब देवताओं को साथ लेकर पृथ्वी को विष्णु भगवान के पास क्षीर सागर ले गए। उस समय भगवान विष्णु अनंत शैया पर शयन कर रहे थे। तभी सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति की। स्तुति करने पर भगवान की निद्रा भंग हो गई। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा एवं सब देवताओं को देखकर उनके आने का कारण पूछा तो पृथ्वी बोली, भगवान मैं पाप के बोझ से दबी जा रही हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। यह सुनकर विष्णु भगवान बोले, मैं ब्रजमंडल में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। तुम सब देवतागण ब्रज भूमि में जाकर यादव वंश में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात सभी देवता ब्रजमंडल में आकर यदुकुल में नंद यशोदा तथा गोप गोपियों के रूप में पैदा हुए। द्वापर युग के अंत में मथुरा में उग्रसेन राजा राज्य करते थे। उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था। कंस ने उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतारकर जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया। कंस की बहन देवकी का विवाह यादव कुल में वासुदेव के साथ निश्चित हो गया। जब कंस देवकी को विदा करने के लिए रथ के साथ जा रहा था तो आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है उसका आठवां पुत्र तेरा संहार करेगा। आकाशवाणी की बात सुनकर कंस क्रोध से भरकर देवकी को मारने को तैयार हो गया। उसने सोचा न देवकी होगी न उसका कोई पुत्र होगा। वासुदेव जी ने कंस को समझाया कि तुम्हें देवकी से तो कोई भय नहीं है, देवकी की आठवीं संतान से तुम्हें भय है, इसलिए मैं इसकी आठवीं संतान को तुम्हें सौंप दूंगा। तुम्हारे समझ में जो आए उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना। कंस ने वासुदेव जी की बात स्वीकार कर ली और वासुदेव देवकी को कारागार में बंद कर दिया। तत्काल नारद जी वहाँ आ पहुँचे और कंस से बोले कि यह कैसा पता चलेगा कि देवकी का आठवां गर्भ कौन सा होगा, गिनती प्रथम से है या अंतिम गर्भ से शुरू होगी। कंस ने नारद जी के परामर्श पर देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले समस्त बालकों को मारने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार एक एक करके कंस ने देवकी के सात बालकों को निर्दयता पूर्वक मार डाला। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। वासुदेव देवकी के सामने शंख चक्र गदा एवं पद्मधारी चतुर्भुज भगवान ने अपना रूप प्रकट कर कहा, अब मैं बालक का रूप धारण करता हूँ, तुम मुझे तत्काल गोकुल में नंद के यहाँ पहुँचा दो और उनकी अभी अभी जन्मी कन्या को लाकर कंस को सौंप दो। तत्काल वासुदेव जी की हथकड़ियाँ खुल गई, दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए। वासुदेव श्री कृष्ण को सूप में रखकर गोकुल को चल दिए। रास्ते में यमुना श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए भरने लगी। भगवान ने अपने पैर लटका दिए। चरण छूने के बाद यमुना घट गई। वासुदेव यमुना पार कर गोकुल में नंद के यहाँ गए। बालक कृष्ण को यशोदा जी की बगल में सुलाकर कन्या को लेकर वापस कंस के कारागार में आ गए। जेल के दरवाजे पूर्ववत बंद हो गए। वासुदेव जी के हाथों में हथकड़ियाँ पड़ गई। पहरेदार जाग गए। कन्या के रोने पर कंस को खबर दी गई। कंस ने कारागार में आकर कन्या को लेकर पत्थर पर पटक कर मारना चाहा, परंतु वह कंस के हाथ से छूट कर आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण कर बोली, हे कंस, मुझे मारने से क्या लाभ, तेरा शत्रु तो गोकुल में पहुंच चुका है। यह दृश्य देखकर कंस हतप्रभ और व्याकुल हो गया। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए पूतना बकासुर जैसे अनेक दैत्य भेजे। श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक माया से सारे दैत्यों को मार डाला। श्री कृष्ण बड़े होने पर कंस को मारकर उग्रसेन को राजगद्दी पर बिठाया और अपने माता पिता देवकी और वासुदेव को कारागार से मुक्त कर दिया। श्री कृष्ण की पुण्य जन्म तिथि को तभी से सारे देश में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय।